हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी। वेलकम बैक टू आवर ड्रीम लैंड चैनल। आज एक बहुत ही खूबसूरत सा और यूनिक सा हिबिस्कस प्लांट के बारे में शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले, अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं हिबिस्कस का कई सारा वैरायटी होता है, लेकिन उसमें से ये बहुत ही यूनिक सा वैरायटी है। इसके सामने एक छोटा सा पेंडेंट जैसा होता है, ये देखिए ऐसा इसका फ्लावर होता है। तो जब भी मैं कोई फ़ोटोज़ या वीडियोस शेयर करती हूँ सोशल मीडिया में, तो सबका एक ही क्वेश्चन रहता है, इसका नाम क्या है। क्योंकि ये अभी भी उतना दिखाई नहीं देता है ये प्लांट, और कोलकाता में स्पेशली तो नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा, तो सोचा इसके बारे में ही आज बता देती हूँ। इसका नाम है एल कैपिटोलियो हिबिस्कस, जिसको पुडल हिबिस्कस भी बोलते हैं। ये प्लांट पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जैसे कि बीज, बटरफ्लाईज, हमिंग बर्ड, ये सब बहुत आते हैं गार्डन में। और पीछे जो दिखाई दे रहा है सारी से, वो जुगाड़ का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और लॉकडाउन में ग्रीन नेट खरीदना पॉसिबल नहीं था। मेरे को जितना पता है कि ये अभी तक तो दो ही कलर में अवेलेबल है, एक तो ये रेड वाला और पहले जो दिखाई है वो क्रीम कलर जैसा, वो ये दोनों कलर में ही ये अवेलेबल है। और अगर सनलाइट की बात करूँ तो इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद है, लेकिन पार्शियल शेड में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर सॉइल के बारे में बात करूँ तो इस प्लांट को भी बाकी सब प्लांट की तरह वेल ड्रेन सॉइल में लगाना ही अच्छा होता है। मैंने जो सॉइल प्रिपेयर किया है उसमें मैंने सैंड, गार्डन सॉइल और काउडंग इक्वल रेशियो में ऐड करके इसके सॉइल को प्रिपेयर किया है। और इसमें मैं महीने में दो बार बनाना पिल फर्टिलाइज़र ज़रूर डालती हूँ। और देखिए इसका लीफ कितना ग्रीन है, काफ़ी हेल्दी है ये प्लांट। और वाटरिंग इसमें रेगुलरली करना पड़ता है, इस प्लांट को रेगुलरली प्रूनिंग करना पड़ता है, क्योंकि प्रूनिंग करने से इसमें नए नए ब्रांचेस निकलते रहते हैं और सभी नए ब्रांचेस में ही इसका बर्ड्स लगते हैं। तो इसीलिए ढेर सारे फ्लावरिंग पाने के लिए प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर पॉट में लगाना है तो प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत फैल जाता है, तो इसीलिए नहीं तो शेप नहीं मेंटेन रहेगा, प्लांट मेसी जैसा हो जाता है। और ये प्लांट भी कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, और डिजीज़ इसमें मिली बग्स का प्रॉब्लम होता है, एफिड्स का प्रॉब्लम होता है, तो नीम ऑयल मैं रेगुलरली स्प्रे करती हूँ, इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और ये एक पेरेनियल प्लांट है, साल भर फ्लावरिंग करते हैं, तो इसीलिए अगर अभी भी अपने गार्डन में इस प्लांट को आप नहीं लगाया है तो प्लीज़ इस प्लांट को लगा लीजिए, नर्सरी में जाके पूछिए तो ज़रूर मिल जाएगा। तो होप करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपने पसंद किए होंगे। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।